बिहार में जेडीयू की दो महिला नेताओं के बीच जंग जारी है। मामला बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह और जेडीयू की ही महिला विधायक बीमा भारती के तकरार से जुड़ा है, जो अब काफी तेज हो गया है। बीमा भारती के आरोपों पर लेसी सिंह ने कानूनी नोटिस भेजा है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती पर मानहानि का केस किया। साथ ही मंत्री ने बीमा भारती को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भिजवाया। मंत्री जी की नोटिस से बेखबर बीमा भारती ने एक बार फिर से लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। बीमा भारती रुपौली से जेडीयू विधायक है। लेसी सिंह के नोटिस से नाराज बीमा भारती ने एक बार फिर से लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की। बीमा भारती ने कहा कि मंत्री लेसी सिंह पर मर्डर का आरोप है, ऐसे में केस डाइवर्ट करने को लेकर मंत्री को नोटिस भिजवाया है। वहीं जेडीयू के इस लड़ाई ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। सो बीजेपी के नेता लगातार जेडीयू पर कटाक्ष कर रहे हैं और सीएम नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बीमा भारती के भी बात को सुना जाए, दलितों पिछड़ों की आवाज को दबाया नहीं जाए, पिछड़ों की आवाज को दबाए नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, जदयू में जो आपसी खींचातान है उसको संभालिए। आपसे जदयू तो संभाल नहीं रहा है और देश संभालने की नौटंकी कर रहे हैं। आप पार्टी संभालिए, पार्टी। बीमा भारती जी को न्याय दीजिए और उनके आरोपों को जांच कराइए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप जो है अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार को क्या संभालिएगा? बिहार को मुक्ति दीजिए, पार्टी तो आपसे संभल नहीं रही है। बीमा भारती जी वही बार बार कह रही हैं अखबार के माध्यम से, और आरोपित मंत्रियों को हटाइए। सिर्फ आरोपित मंत्रियों को रखने से बिहार नहीं चलेगा, बिहार शर्मसार हो रहा है। वहीं जेडीयू की ओर से बीजेपी को करारा जवाब दिया जा रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए जमकर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामले में राष्ट्रवादी, त्याग, तपस्वी, बलिदान वाली पार्टी है। इस सब चीज में कहां चक्कर पड़ गया? इस सब चीज तो बहुत ऊंचा है, तो राष्ट्र निर्माण झोपड़ी में रहकर तपस्या करने वाले लोग हैं। ये जातीय संवर्ग पर, अरे तो भारतीय जनता पार्टी अगर इतना ही सचेत ऐसे सवालों पर है तो देश के अंदर जातिगत जनगणना से परहेज क्यों करती है? ये तो करना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर सामाजिक समूह के नाम पर आप अपनी राजनीति का एजेंडा तय करते हैं कि कोई पिछड़ा है, कोई अति पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई सामान्य समुदाय है, इसी की गणना की तो बात की जा रही है, तो दलगत आधार पर गणना करते हैं लेकिन राष्ट्रव्यापी जनगणना करने में दिमागी रूप से राजनीतिक परेशान हो जाती है आपकी। इधर आरजेडी इस मामले में बेहद सोच समझकर बयान दे रही है। आरजेडी का कहना है कि बीमा भारती और लेसी सिंह का ये मामला जेडीयू का निजी मामला है, वो इसे जल्द ही सुलझा लेंगे। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी फोरम पर ही बात रखनी चाहिए, लेकिन जेडीयू का नेतृत्व इस पूरे मामले को देखेगा और इसमें कोई खास बात नहीं है। आपस में इस तरह की बातें होती है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। भले ही ये मामला कुछ दिनों के अंदर शांत हो जाएगा और सीएम नीतीश कुमार इसे सुलझा भी देंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस प्रकरण से जनता के बीच एक बार फिर से जेडीयू की किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देसवा न्यूज। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।